दरभंगा तारामंडल फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि ओपन हुए काफी कम समय हुआ है और कम समय में काफी सारी उपलब्धि अपने नाम कर चुका है। खास तौर पे बच्चे और जो शोधार्थी है उनके लिए तो बेहतर प्लेटफॉर्म आप कह ही सकते हैं। तो अभी फिलहाल चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ ताजा जानकारी मिल रही है, इस विशेष जानकारी हम लेंगे दरभंगा तारामंडल के जो डायरेक्टर हैं उनसे कि सर चंद्रयान 3 को लेकर के जो भी बातें आ रही है वो तारामंडल दरभंगा में किस प्रकार से शो चलाए जाएंगे और कैसे उसमें लोग देखेंगे, स्पेस से क्या कनेक्टिविटी रहेगा, किस प्रकार से वो शो रहेगा। ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, उसको जो टीवी पे आप बैठ के देख सकते हैं, उसको ज्वाइंटली बड़े पर्दे पे हमारे साथ बैठ के एंजॉय करें, जिसके लिए बड़े नॉमिनल हमने फीस रखी है। जो 50 रुपीज हमने 14 साल से ऊपर जो है उनके लिए रखी है, और 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए 30 रुपए रखे हैं। और उसमें हम इसरो का सफर, जो कि वीडियो एक यूट्यूब पे अवेलेबल है, उस ट्यूब का हमने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया है, वो मूवी दिखाई जाएगी। तो ये एक एक कॉम्बो पैक है। अभी टाइमिंग क्या रहेगी सर? तक जो लैंडिंग का टाइम बताया गया है वो 5:27 है, तो वही 4:30 बजे से एंट्री हो जाएगी, 4:45 बजे से वो सेटल होके वहाँ हम सब स्टार्ट कर देंगे। और बड़े पर्दे पे देख सकते हैं, साथ में कॉम्बो पैक भी यहाँ पे दिया जा रहा है, जो इसरो का सफर है वो भी यहाँ पे दिखाया जाएगा तारामंडल में। तो कह सकते हैं कि दरभंगा तारामंडल का एक बेहतर पहल है और एक अच्छी शुरुआत है, यहाँ के छात्र और शोधार्थियों के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। जतिन के लिए।